नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी न्यूज में। मैं मानसी माथुर। आइए नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। राजस्थान में भाजपा ने इस बार कई दाव पेच खेले थे। कई सीटों पर नए चेहरों को उतार कर भाजपा ने बड़ा रिस्क लिया था। वहीं इस बार 3 सीटों पर संतों को उतार कर जनता को हैरान कर दिया था, क्योंकि वो विधानसभा सीट है, हॉट सीट की श्रेणी में आती है। भाजपा के प्रत्याशी और भगवा संत बाबा बालकनाथ मुस्लिम बहुल तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के इमरान खान के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भाजपा द्वारा चुने गए मठ प्रमुख थे, जिन्होंने इमरान खान को 6173 वोटों के अंतर से हराकर तिजारा सीट पर जीत हासिल करी है। अलवर जिले की तिजारा सीट से जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के पारगण नेता बाबा बालकनाथ रविवार देर रात 12 बजे भिवाड़ी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बाबा बालकनाथ ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अब इलाके में कोई चकारी लूट डकैती बंद हो जाना चाहिए, प्रशासन अपने सूत्र दौड़ाए और अपराधियों को मैसेज दे दे। उन्होंने कानून व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि आज से ही पुलिस प्रशासन कान खोलकर सुन ले। तिजारा और भिवाड़ी क्षेत्र में आज के बाद अगर कोई चोरी लूट डकैती या अन्य वारदात हुई तो इसके लिए प्रशासन ही जवाबदेही होगी। पुलिस के लोगों को सब कुछ पता रहता है कि किसने चोरी की है, कौन चोर है। पुलिस अपने सूत्र दौड़ाए, अपने मुखबिर तंत्र का सहारा लें और बदमाशों तक संदेश पहुंचा दे कि अब उनकी तिजारा क्षेत्र में कोई जगह नहीं है। तिजारा और राजस्थान की सीमा से अपराधी बाहर चले जाएं, वरना आज के बाद उन पर बुलडोजर चलाना शुरू हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों के ढिलाई बरतने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मेरे अपने ही क्यों ना हो, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बाबा बालकनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, ये जीत आपकी है, खुश रहे। सभी कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र की माता बहनों को और जनता को जाता है। ये जीत कानून व्यवस्था, सनातन धर्म की रक्षा और जन समस्याओं को दूर करने के लिए हुई है। ऐसे जोश के साथ हमें आगे बढ़ना है और जैसा कि मैंने चुनाव में कहा था, आज 3 तारीख हो चुकी है, परिणाम आपके पक्ष में आ चुका है, प्रशासन के लोग भी यहाँ सुन रहे होंगे। आपका चौकीदारा शुरू हो जाता है, अगर आज के बाद में कोई चोरी हुई यहाँ पर उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। उनकी जानकारी में नहीं है, प्रशासन के पास में एक एक पाई पाई की जानकारी होती है, मुझे अच्छे से ज्ञान है। इसलिए आपके सूत्रों को दौड़ा दो और जो चोरी चपाटी करते हैं उनका संदेश पहुंचा दो, या तिजारा में उनका कोई स्थान नहीं है। जानकारी में खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी।